जब भी रामायण की बात होती है उसमें राम के साथ रावण का जिक्र जरूर मिलता है। रावण एक अहंकारी राजा था जिसका अहंकार श्री राम जी ने तोड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे वानर के बारे में जिसने रावण का घमंड चकनाचूर किया था? आइए उस वानर के बारे में जानते हैं। पौराणिक महाकाव्य रामायण में बाली का जिक्र मिलता है। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। रामायण का अहम पात्र बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और साथ ही बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर घुमाया था। जानते हैं आखिर कौन था बाली और क्यों उसने रावण को अपनी बगल में दबा कर रखा था? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? बाली रामायण के अहम पात्रों में से एक थे जो किष्किंधा के वानर राजा थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गए तब माता सीता की तलाश में श्री राम इधर उधर भटक रहे थे। इसी दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। अपनी बलशाली शक्ति से बाली ने अपने भाई सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। इस कारण भगवान श्री राम ने स्वयं बाली का वध कर दिया। रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया था, लेकिन बाली रामायण का एक ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान पराक्रमी और लंकापति रावण माफी मांगने पर मजबूर हो गया था। बाली और रावण के बीच युद्ध। बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी ताकत बाली में समाहित हो जाएगी। ऐसे में बाली अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पाने के कारण और अधिक शक्तिशाली हो गया था। रावण को क्यों हो गया था घमंड? लंका का राजा रावण अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को हरा चुका था। रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुण आदि से नहीं होगी। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था। बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चलते ही रावण को बाली से ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद ही उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद ही रावण और बाली के बीच युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आदि शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। रावण को 6 महीने तक बगल में दबा कर रखा। हर रोज बाली रावण को अपने बगल में दबा कर चारों दिशाओं में घुमाता था और सभी के सामने अपमानित भी करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया था। बाली और रावण में हुई दोस्ती। बाली से हर रोज लज्जित होने पर रावण ने उससे माफी मांगी और अपनी हार को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद बाली ने रावण को क्षमा कर दिया। इसके बाद रावण ने बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई।